सदा सुहागन रहने की कामना हर लड़की की होती है और इस कामना में माता पिता भाई बहन और समाज के लोगों की शुभकामनाएं भी साथ रहती हैं। ये प्रयास लड़की की शादी के पहले से शुरू होकर शादी के बाद भी जीवन पर्यंत चलता है और इसी कड़ी में हमें जिसके द्वारा जो कुछ भी क्रिया बतलाई जाती है वो हम करते हैं ताकि लड़की की मांग का सिंदूर हमेशा चमकता रहे। ऐसी ही एक क्रिया है करवा चौथ का उपवास। इस उपवास को इसी नजरिए से व इस कामना से मनाया जाता है कि इससे पति दीर्घायु होता है। इस दिन की मान्यता कुछ इस कदर है कि यह त्योहार की तरह मनाया जाता है। बाजारों में भी इस दिन बहुत चहलकदमी होती है। चाहे इस त्योहार को मनाने का तरीका कुछ भी रहे, उद्देश्य एक ही होता है, अपने पति की सुरक्षा। प्रिय दर्शकों, करवा चौथ की क्रिया को बहने बहुत श्रद्धा से करती हैं, लेकिन इससे इस त्योहार के मूल उद्देश्य की पूर्ति कहाँ तक हो पाती है, यह बेहद विचारणीय विषय है। कितनी ही बहनें इस क्रिया को करते करते काल के कहर का शिकार हो जाती हैं, वह विधवा का जीवन व्यतीत करती हैं। कितनी ही नव युवतियाँ व्रत रखते हुए भी अपने पति को खो देती हैं। बावजूद इसके हम इस क्रिया को तोलने की ओर अग्रसर नहीं होते। प्रिय दर्शकों, हम इस त्योहार को किए जाने के पीछे के मूल भाव की बहुत कदर करते हैं, लेकिन उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए जाने वाली क्रिया को तोलना भी बेहद जरूरी समझते हैं। परमात्मा ही सबके रक्षक हैं और उनके आदेश निर्देश अपने पवित्र सद्ग्रंथों में हैं कि किस तरह हम अपने को सुरक्षित रख सकते हैं। इन सद्ग्रंथों से हटकर यदि हम कोई क्रिया लोक वेद आधार से करते भी हैं तो ऐसा करना व्यर्थ है, क्योंकि पवित्र गीता जी में भी साफ आदेश है कि शास्त्र विरुद्ध मनमानी पूजा करना निष्फल है, त्याग्य है। करवा चौथ भी ऐसी ही क्रिया है, क्योंकि इस क्रिया का वर्णन किसी भी सद्ग्रंथ में नहीं है, ना वेदों में, ना पवित्र गीता जी में, व न ही उन महापुरुषों की वाणियों में जिनको परमात्मा मिले। तो फिर क्या इससे हमारा अपने पति की सुरक्षा की उम्मीद करना हमारी ज्ञानहीनता नहीं है? यदि हम वास्तव में अपने पति की रक्षा को महत्व देते हैं तो हमें अपने शिक्षा रूपी अस्त्र से इन क्रियाओं को सत्य ग्रंथों के प्रकाश में जांचना ही होगा व उस पूर्ण परमात्मा को पहचानना होगा जो सबके रक्षक हैं। संत रामपाल जी का यह प्रयास है कि हम अपने वास्तविक रक्षक को पहचाने व उस विधि को जाने जिससे हम सबकी रक्षा होगी व कोई बहन विधवा नहीं होगी। आइए जानते हैं करवा चौथ के संबंध में महापुरुषों की वाणी व हमारे वास्तविक रक्षक की अमर कथा संत रामपाल जी महाराज के मुख कमल से। तीर्थ व्रत करे जो प्राणी तिनकी छूटत है नहीं खानी, ये चौदस नौमी द्वादश व्रतम जिनसे जम जोरानी डरतम, कर एकादशी संजम सोई करवा चौथ गदेरी होई। आठे साते करे कंदूरी सो तो बने नीच गर सूरी। अपने आत्माओं कितनी गजब की बात कही है भगवान ने, कमाल कर रख्या है कि ये चौदस नौमी द्वादशी का कोई भी किसी प्रकार का व्रत है जो ये करते हो इससे काल के दूत नहीं डरेंगे, तुम्हारी चोटी पकड़ के ले जाएंगे, ये साधना ठीक नहीं। करें एकादशी संजम सोई करवा चौथ गदेरी होई। एकादशी का व्रत रखने वाले और करवा चौथ का व्रत रखने वाली बहन बेटियां कहते हैं ये अगले जन्म में गधे गधी की योनि में जाएंगी। अब करवा चौथ के है बता, करवा चौथ एक
बहन कहती है करवा चौथ इसलिए कि पति की आयु लंबी हो। एक कह रही थी कि मैं उसी दिन करवा चौथ का व्रत रखी हुई थी और उसी दिन मेरे पति की मृत्यु होगी, इस करवा चौथ ने कति ढाल नहीं अड़ाई। और फिर सदभक्ति ना करने से कहते हैं अगले जन्म में फिर पशु योनियों में जाऊंगी। आन धर्म जो मन बसे कोई करो नर नार, गरीब दास जिंदा कहे वो जासी यम द्वार। आन धर्म जो मन बसे, आन धर्म धर्म मीन धार्मिक पूजाएं, एक परमेश्वर को छोड़कर जो और साधनाएं मन में बसाए बैठे हैं, चाहे कोई करो नर नार, स्त्री करो चाहे पुरुष करो। गरीबदास जी कह रहे हैं परमात्मा जिंदा रूप में धर्मदास जी को कह रहे हैं वो जागा काल के द्वार यम द्वार नरक में जाओगा। कहे जो करवा चौथ कहानी तास गधेड़ी निश्चय जानी। अब करवा चौथ को जो कहानी सुनाते हैं ना, कई अनपढ़ माई रखा करती व्रत करवा चौथ का, रखते हैं अभी लेकिन हमारे भक्त नहीं रखते। और वो किसी ने बुला के न्यू कहा करती बेटी या कहानी पढ़ के सुनाइए करवा चौथ की। अब परमात्मा कहते हैं जो करवा चौथ का व्रत रखे वह भी गदी बने और जो उसने कहानी सुनाओगी वह भी उसी कैटेगरी में होगी।